शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेशी नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो, न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकले। हां अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ऐ तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से जौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से दो मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो, और ए गवाह हो अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा।